हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे डार्क बैकग्राउंड इन लाइट इफेक्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो गाइस, सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को शेयर करेंगे पिक्सआर्ट ऐप में और यहाँ से ऐड फोटो करेंगे और इस मॉडल की फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर कटआउट करेंगे इस फोटो को। तो गाइस, कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और यहां से कर लेंगे डन। और गाइस, यहां पर फिर से हम थोड़ी बहुत जो खामी हो उसे यहां पर ठीक कर लेंगे। यहां से हार्डनेस को फुल कर लेंगे और साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है। तो गाइज, अब हम यहाँ से कर लेंगे डन। और गाइज, यहाँ से हम पीएनजी को रोटेट कर लेंगे। इस तरह से हमें इस पीएनजी को यहाँ पर सेट करना है। तो गाइज, कुछ इस तरह से हम लोग इस पीएनजी को यहाँ पर सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद हमें जाना है ड्रॉ टूल में और यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव। और फोटो को सेव करने के बाद हम जाएंगे लाइटरूम ऐप में और यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे इफेक्ट मेनू में और यहाँ पर विगनेट को पूरा डाउन कर देंगे 100 तक। अब जाएंगे मिड पॉइंट के ऊपर और उसको भी यहाँ पर डाउन कर लेंगे। तो गाइज, अब हम जाएंगे फीडर के ऊपर और फीडर को यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। अब जाएंगे यहाँ पर राउंड्स में और यहाँ पर राउंड्स को यहाँ पर थोड़ा सा माइनस करेंगे और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हमें जाना है डिटेल्स टूल के ऊपर और शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और मास्किंग को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है हमें। तो गाइस, अब हम कलर मेनू में जाएंगे मिक्स टूल में और यहाँ पर रेड कलर का सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करेंगे और ऑरेंज कलर का ह्यू को यहाँ पर थोड़ा सा माइनस करेंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा डाउन करना है हमें। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हम लोग इस स्काई कलर पर जाएंगे और उसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करेंगे यहाँ पर और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिटेल्स टूल पर फिर से और यहाँ पर शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब जाएंगे इफेक्ट मेनू में और यहाँ पर फीडर को और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेंगे और हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है हमें। और यहाँ पर मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर इफेक्ट मेनू में मिड पॉइंट को 0 तक कर देंगे हम लोग। और इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे। अब जाएंगे स्नैपसीड में और यहाँ पर मेनू में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करेंगे और फेस के साइड पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है हमें।
गाइस अब हम फिर से जाएंगे मेनू में और यहाँ पर सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करेंगे फिर से और यहाँ पर लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। तो गाइस हमें लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। उसके बाद जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर विंटेज इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे विंटेज मेनू और यहाँ पर 12 नंबर का इफेक्ट सिलेक्ट करना है। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और स्टाइल स्टैंड को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है और विगनेस स्टैंड को यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करेंगे। तो कहीं विगनेस स्टैंड को यहाँ पर हम रखेंगे 22 तक प्लस और सैचुरेशन को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेना है हमें। तो गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो मेनू के ऊपर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सीट्यून्ट नाम का जो इफेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाइट बैलेंस में जाएंगे और टिंट को यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करेंगे और टेम्परेचर को भी थोड़ा सा डाउन करना है हमें और यहाँ से कर लेंगे डन।